दर्द समझ रहे होंगे। आप मेरे साथ में कंपलसरी हर रात को फोन करना ही है पास्टर जी। अगर कॉल नहीं गया तो आपको पता है रात का भले 2 बज रहा हो मैडम का फोन आ जाता है, क्या बात है फोन क्यों नहीं किया यार, गलती हो गई, नहीं करा, थक गया था, सो गया, नहीं समझ में आता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं अपने घर की भड़ास निकाल रहा हूँ, आपको कैसे पता है ना ऐसी चल रहा है। आप मेरे साथ में किसी की तरह हमको किसी का विश्वास नहीं चाहिए। अब जल्दी पूछो क्यों, हद होती है। अभी तो बताया ना कि हम कलीसिया हैं, हम यीशु की दुल्हन हैं, हमको दूसरे का क्यों चाहिए। अंकल अंकल होता है, बाप बाप होता है। क्या बात है, ऐसे आया करो, रिपीट कर दो, अंकल अंकल होता है, बाप बाप होता है, चाचा चाचा होता है, बाप बाप होता है। अंकल जी जी जी, क्या बात है, सुनो भाई, अंकल आइसक्रीम लेके दे सकता है लेकिन अपनी प्रॉपर्टी नहीं देगा। अभी सुनो, मजा लीजिए, बाप आइसक्रीम भी दे सकता है, अपनी प्रॉपर्टी भी दे सकता है। अंकल के पीछे मत भागो। कुछ लोग कहते हैं बस जी, कुछ लोग कहते हैं कि परमेश्वर मुझे एलिया का अनॉइंटिंग चाहिए, मुझे एलिशा का अनॉइंटिंग चाहिए। बड़े ध्यान से सुनना, अगर एलिया का आ गया ना तुम्हारे ऊपर अभिषेक, तो आपको पता है क्या कर बैठोगे, कम से कम 450 को तुम्हारी बैठोगे। अब जिसको समझ में आ रहा है समझने की कोशिश करिए। और कभी एलिशा का नहीं मांगना, वो तो एलिया से भी भयंकर था। जल्दी पूछो क्यों, उसके सर पे बाल नहीं थे साथ, और उसको कहते थे चंदू टकला, और कम से कम 42 बच्चे, कितने 42 बच्चों ने बोला ए चंदू ए टकले। अब इसको आया गुस्सा, अभी मुझे एक चीज समझ में नहीं आती, अगर तेरे सर पे बाल नहीं है तो ये 42 बच्चों का क्या कसूर है भाई साहब। अच्छा, इसको ये तो प्रॉब्लम है बाल नहीं है, ऊपर से इसको गुस्सा भी आया, और आपको पता है क्या किया, जंगल में से बाबू बुला ले रिच, और कहते हैं कि बच्चे का ब्रेकफास्ट, आप समझ गए होंगे। भालू भी सोच रहे होंगे यार एकदम रेडीमेड कहां से मिल रहा है। अब इसकी आप बुद्धि देखे किसकी, एलिया की बुद्धि देखे किसकी, एलिशा की। बाप रे, और एक आ गया, आपको पता है आदम से लेके जॉन द बैप्टिस्ट सब सबको हम मिलने वाले हैं। वापस आना होगा, मैं रिपीट कर देता हूं, आदम से लेके जॉन द बैप्टिस्ट तक के जितने भी कैरेक्टर्स है ना, हम उन सबको मिलने वाले हैं। नहीं समझ में आ रहा, मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि ये सब हमारे स्वागत के लिए, आप समझ गए, क्योंकि हम कलीसिया उसकी दुल्हन है और यीशु मसीह हमारा दुल्हन है, और ये सब इधर देखे ऐसे खड़े रहेंगे, और मैं तब एलिशा को पूछूंगा तेरे सर पे बाल नहीं थे, तेरा कसूर है, या फिर तू परमेश्वर से झगड़ा कर लेता, एक साथ 42 बच्चों को क्यों मरवा डाला। मैं वापस कहता हूं, बाइबल में अच्छी चीजें भी हैं, बुरी चीजें भी हैं, पढ़ते वक्त में क्या अच्छी हैं और क्या बुरी हैं, अगर ये नहीं समझ में आया जोर से बोल दो, गई भैंस। आप है मेरे साथ में, देखिए और एक चीज क्लियर कर देता हूं, भाई साहब जब जब बजाए, ये मैंडेटरी है, कंपलसरी है कि भाई साहब जैसे ही बजाए ताली बजनी चाहिए, जरा एक बार कोशिश हो जाए। मैं वापस कहता हूं, हम नू नहीं है, अब्राहम नहीं है, आगे मूसा नहीं है, यहोशू नहीं है, सैमसन दाऊद सुलेमान एलिया एलिशा दानियल नहीं है, बल्कि हम यीशु के लोग हैं, हम इन सब लोगों से अलग हैं, अलग हैं, अलग हैं। क्या बात है, आपको यहां मौका था खड़े होकर ताली बजाने का, इसको भी गवा दिया, बात अलग है। कैसा लग रहा है अभी तक, मैंने पूछा कैसा लग रहा है अभी तक, तो इसका मतलब है कि हम इन सब लोगों से अलग है ना। ये चित्र देख लीजिए, हालांकि यीशु ऐसा नहीं है, लेकिन नाटक में या क्या कहते हैं उसको, डेमोंस्ट्रेट करने के लिए मैंने रखा है, एक बार ताली हो जाए इसके लिए नहीं, यीशु के लिए। जी ना, क्योंकि हमें, हम वो सब नहीं है, क्यों, क्योंकि हमें रिकंसिलिएशन की मिनिस्ट्री मिली है। दूसरा कुरिन्थियों 5:18 पास जी, दूसरा कुरिन्थियों 5:18 पास जी, यहीं पर है पास जी, यहीं पर है, ये वाला इतना से पढ़ना जी, दूसरा कुरिन्थियों 5:18, कुछ ए पार्ट, कुछ बी पार्ट, कुछ सी पार्ट, तो मैंने ए पार्ट उठाया जो मुझे चाहिए जी पास जी, और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंपी है। क्या बात है पास जी, वापस, और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंपती है। ओके, तो यहां बैठा हर कोई कौन है, वो ये मिनिस्ट्री कर रहा है जो यहां पर लिखा है कि मुझे और आपको कौन सी सेवा दी है, थोड़ा जोर से
मेल मिलाप हम सभी को एक ऐसी सेवा दी है जिसको इंग्लिश में कहते हैं रिकंसिलिएशन मिनिस्ट्री और हिंदी में कहते हैं मेल मिलाप की सेविका। आइए रोमियो भाई, आपका नंबर लग गया। आइए सर, आइए भैया, यहाँ से आज बीच में सर। मैंने अभी कहा था कि कोई आते हैं स्टेज पे। ओके, अभी बड़े ध्यान से सुनना, पास्टर जी आप भी साथ देना और जितने प्रभु के दास बैठे वो भी साथ देना। क्या इस व्यक्ति को जो नई सृष्टि है, जी इस व्यक्ति को जो नई सृष्टि है, क्या इसको अभिषेक चाहिए? बाकी लोग भी बात करना है प्लीज जल्दी। ओके ओके, मैंने पत्ता धीरे धीरे खोल रहा हूं, पत्ता समझते हैं ना? हाँ, अभी धीरे धीरे पर्दा उठेगा, पत्ता भी खुलेगा, मैं आता हूं। फिर भी पूछ रहा हूं, क्या इस व्यक्ति को अभिषेक की जरूरत है? शुक्रिया, मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि ये वो व्यक्ति है जिसको मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, ये नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है। फेसबुक वालों तुम भी सुनो, यूट्यूब वालों तुम भी सुनो, और जो तीसरा कैमरा चल रहा है जो यहां का प्रोग्राम का है, आप भी सुनिए, जब भी भविष्य में देखेंगे। इस व्यक्ति को अभिषेक की जरूरत नहीं है, एक साथ पूछो क्यों? अभी तो बताया कि ये नई सृष्टि है और इनका अभिषेक ऑलरेडी हो चुका है। भैया थोड़ा सा दीजिएगा, मैं कुछ चीजें और बता देता हूं। नाउ पहला योहन्ना 2:27, पास्टर जी पढ़ेंगे बड़ी बुलंद आवाज में। जी, और तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया जी तुम में बना रहता है। ओके, ये वाला भी, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं जी कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया जी तुम्हें सब बातें सिखाता है। ओके, ना मैं पढ़ता हूं अपने तरीके से, लिखा है कि तुम्हारा वो अभिषेक। आइए भैया प्लीज, तो ये किसका अभिषेक है? ओके, वापस आते हैं, लिखा है तुम्हारा वह अभिषेक, तो ये किसका अभिषेक है? थोड़ा जोर से, जोर से, ये यीशु का अभिषेक है, ये एलिया का नहीं है, एलिशा का नहीं है, मूसा का नहीं है, अब्राम का नहीं है, ये किसी पुराने नियम के कैरेक्टर का नहीं है, ये फ्रेश, आहा मजा आएगा, ये फ्रेश और सृष्टि करता यीशु का अभिषेक है, यीशु का अभिषेक इसके ऊपर। मेरी बेटी है पास्टर जी, जो कि मैं बोल चुका हूं, वो मुझे कभी कभी पूछती है, सब लोग तैयार है? मेरी लड़की की उम्र बता चुका हूं, कम से कम 22 साल के आसपास है। मेरी लड़की बोलती है, पापा जब आप मीटिंग्स के लिए जाते हो, अकेले जाते हो जब, तो आप जिस होटलों में रुकते हो, शहरों में रुकते हो, आपको वहां पर भूत भीत का डर नहीं लगता? आप सुने कि नहीं सुने, भूत का डर नहीं लगता? फिर मैंने उसको कहा, उम्मीद करता मेरी बीवी नहीं देखेगी लाइन। मैंने उसको बोला, बेटा जब तेरी माँ को झेल सकता हूँ 25 साल से, तो एक रात का भूत क्या है? आप है मेरे साथ, मैं सड़कों पे चलता हूँ, आधी रात को निकलता हूँ गाड़ियों में, पूरा भारत ट्रैवल करता हूँ मैं, कोई हाथ में काला धागा, पीला धागा, नीला धागा ना गले में ना पैर में नहीं पहनता, ना कोई ताबीज पहनता हूँ। जल्दी पूछो क्यों? क्यों हद होती है सब आप लोगों की, अभी तो बताया था कि ये नई सिस्टम है, हमको किसी चीज की जरूरत नहीं है, वो चाहे काली बिल्ली हो या पीली बिल्ली हो, नीली हो या लाल हो, इधर की हो या उधर की हो, ऐसी कोई बिल्ली रास्ता काटने से कम इस नई सृष्टि व्यक्ति का नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। क्या बात है, आप है मेरे साथ में? मैंने एक दिन बिल्ली से पूछा, सिस्टर मैंने बोला, देख भाई बिल्ली तेरा प्रॉब्लम क्या है, जब हम जा रहे होते हैं तू बीच में आती क्यों है? आपको पता उसने क्या बोला? बोलती है, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। बोला पूछो। बोलते जब हम जा रहे होते तुम लोग बीच में क्यों आ रहे होते? चिंटू भाई समझ रहे? ये तो सही भी है ना। और हद हो गई यार, मैंने एक मीटिंग वीडियो बनाया था सुपरस्टिशियस के ऊपर, कम से कम 25 बातें सुने होंगे आप लोगों ने। बाल खोले रखो या बांध के रखो, कोई चुड़ैल नहीं आती। पीपल का पेड़ हो या बरगद का पेड़ हो, पेड़ को डर लगेगा, आपको नहीं। अब जल्दी पूछो क्यों? फिर अभी तो बताया था ना, नई सृष्टि है, खेल ही खत्म हो गया साहब। मैं तो ये भी कह दूं कि दुष्ट आत्माओं को डर लगना चाहिए हमसे, हमको क्यों? हाँ हाँ हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि थालियां बज रही हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्टर जी थालियां बज रही हैं, तो एक काम करते हैं कि कल रात को कब्रिस्तान जाके ही आते हैं ताकि हम भी तो देखें कितने लोग क्या है। आमीन। I'm just kidding, हो सकता है ना। हम सब नई सृष्टि हैं, और कहता है कि तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से, किसकी ओर से? एक साथ बोलिए, एक साथ बोलिए, इसकी ओर से। ये देखो, यीशु की ओर से, और वो यीशु उस स्क्रीन पे नहीं, अभी ठीक यहां मौजूद है।
था जो पीछे, जी जी, जो पीछे दीवार की तरफ खड़े, एक बार भैया हाथ उठाकर बता दें अगर मेरी आवाज वहां तक पहुंच रही है। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। वाह, ये आवाज पूरी सड़क तक भी जाती है? जरूर, उससे पार। तो मतलब वो जो ठेला वाला, ऑटो वाला, ये सब भी सुन रहे होंगे? गजब का बात है यार, क्या बात है। और मुझे ऐसा लगता है भाई साहब है कि साउंड सिस्टम पे भाई साहब बैठे, बैठा, हाँ हाथ उठा लिया, वंडरफुल। थोड़ी सी बढ़ा दे, बाद में कम कर देना, अभी ये लाइन बोलने के बाद अगर आवाज वहां तक जा रही है तो। मुझसे किसी ने पूछा, आप यीशु 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 क्यों करते हो? मुझसे किसी ने पूछा, अगर आवाज पहुंच रही है बार ऑटो वाला, रिक्शा वाला, चना वाला, मूंगफली वाला, या फिर जो भी एक्स वाई जेड है, अगर कोई अविश्वासी सुन रहा है, तो मुझे लोगों ने पूछा एक बार कि आप यीशु यीशु क्यों करते हो? मैंने बोला एक बात बता, तू कहां का है? बोला भारत का। मैंने बोला साबित कर। क्या कहता है वो? मैं भारत का हूं। तो मैंने क्या कहा? साबित कर। तो आपको पता उसने क्या निकाल के दिखाया? आधार कार्ड। नहीं, सही है, आधार कार्ड ये प्रूफ करता है, आधार कार्ड। मुझे लगता है वहां मच्छर है, मच्छर है ना? हाँ, क्यों परेशान हो रहे? इधर आइए ना, रोशनी में आ जाओ, आ जाओ, जल्दी आ जाओ, मैं वापस आता हूं। मैंने पूछा साबित कर कि तू भारत का है। कुछ लोग सोच रहे होंगे डैनियल भाई तुम्हारी नजर कहां कहां जाती है। अब ड्राइवर हूं, नजर तो जाएगी, नजर हटी, दुर्घटना घटी, अब ये लड़कियां कब हटी? आइए सिस्टर्स, वंडरफुल, बहुत अच्छा। गुस्से से आ रही है कि प्यार से? ये कल भी रहेंगे बच्चे लोग, कल भी रहेंगे, चलो बड़ा अच्छा। मैंने उसको पूछा तू कहां का है? कहता है भारत का है। मुझे देखिए सिस्टर्स, मैंने पूछा तू कहां का है? कहता है भारत का। मैंने बोला साबित कर। तो उसने भाई कौन सा कार्ड निकाल के दिखाया? आधार कार्ड। मैंने बोला वाह बेटा, मतलब ये कार्ड साबित करता है कि तू भारत का है, और नाम क्या है? आधार कार्ड। मैंने बोला मैं यीशु यीशु क्यों करता तेरे को बताऊं? जैसे तेरा, जीसस क्राइस्ट, जैसे तेरा आधार कार्ड साबित करता है कि तू भारत का है, वैसे मैं एक कार्ड लेके घूम रहा हूं, उसका नाम है उद्धार कार्ड। और वो साबित करेगा कि तू यहां का नहीं वहां का है। जैसे आधार कार्ड के बगैर तुझे कभी भी पुलिस पकड़ सकती है और जेल में डाल सकती है, क्या पता तू कहां का है? अगर तेरे पास में उद्धार कार्ड नहीं है, गई भैंस। वो चाहे अमिताभ बच्चन हो, शाहरुख खान हो, मोदी हो, योगी हो, टाटा हो, अंबानी हो, लंदन का प्रिंस हो, या अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रंप हो, वो कोई भी हो, न्याय के दिन सब ऐसा खड़ा रहेंगे। मैंने पूछा कैसा लग रहा है? इसका मतलब है कि हम सभी को, हाँ ये चलने वाले लोग या जो भी बाहर है, अगर आपको ये बात समझ, चर्च, जीसस क्राइस्ट, ये चर्च क्लब नहीं है, ये चर्च थिएटर नहीं है, ये चर्च पिकनिक गार्डन नहीं है, यहां पर जिंदगियां बदलती है। जब परमेश्वर के दास लोग पुलपिट पे खड़े होकर प्रचार कर रहे होते हैं, वहां जिंदगियां बदलती है। जितने भी लोग सुन रहे हैं, ऐसा नहीं सोचना कि हम वो हैं, हम ये हैं, हम हराना है, हम फलाना है, आप तो ईसाई हो, हम कैसे आए? अगर जमीन सबकी है, अगर आसमान सबका है, अगर सूरज सबका है, अगर चांद सबका है, अगर हवा सबकी है, अगर पानी सबकी है, तो यीशु भी। लेकिन उठकर ताली बजाने वाली हिम्मत अभी भी किसी में नहीं है। मुझे ऐसे लगता है कि सिस्टर दो चार मच्छर वहां पर भी भेजना पड़ेगा। फिर मेरे साथ में एक अच्छी ताली अभी तक यीशु के लिए, जोर से। ओके, वो कौन है जिसने हमारा अभिषेक किया है? एक साथ जोर से बोलो, यीशु। तो भाई साहब के अंदर, आइए भैया, भाई साहब के अंदर, यानी कि ये भाई, यानी आप और मैं, हम सब के अंदर कौन सा अभिषेक है? इसलिए तो लिखा है, इसलिए तो लिखा है वह अभिषेक। एक साथ जोर से बोलिए, वह अभिषेक। और वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया, तुम्हें बना, तुम में बना रहता है, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरना जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया, तुम में तुम्हें सब बातें सिखाता है, सिखाता है। तो मैंने क्या कहा था, मुझे कौन सिखा रहा? अभी यहां पर जो मैं बातें कर रहा हूं, ये कौन सिखा रहा? यीशु। यही तो बातें समझा रहा हूं ना। इसको देखिए भाई साहब, दो मिनट रुकना ना। इसको देखिए, इसको देखिए, ये होना 15-16 पास्टर जी, आपकी बुलंद आवाज में, जी तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है। रिपीट, तुमने मुझे नहीं चुना,
परंतु मैंने तुम्हें चुना है आगे पास जी और तुम्हें ठहराया है वापस और तुम्हें ठहराया है। ये जो शब्द है ना ठहराया, मैंने आपको चित्र दिखाया था कई लोगों के बीच में एक आदमी लाल कलर का, वैसे यीशु कहता है कि अब मैंने तुम्हें ठहराया है आगे पास जी ताकि तुम जाकर हाँ फल लाओ। तो इसका मतलब है यहाँ पे जो भाई साहब रोमियो साहब मेरे साथ में मुझे देख रहे हैं आप लोग जी, यहाँ पे जो भाई साहब रोमियो है ये कौन है बोलो, मैं जोर से बोलो मैं। तो इसका मतलब है मैं जब इनसे बात कर रहा हूं, मैं इनकी तरफ इशारा कर रहा हूं तो मैं आपकी तरफ इशारा कर रहा हूं, तो इसका मतलब है कि इसको ठहरा है तो मतलब आपको भी ठहरा है। परमेश्वर ने इसको भेजा है, आपको भी भेजा है, इसको कहा है कि फल लाओ तो आपको भी कहा है फल लाओ। अब ये पूछ रहा है कि प्रभु कहां से आएगा पावर, तो अगला टॉपिक वही अभी आऊंगा उसके ऊपर, यू गॉट द पॉइंट। तो इसका मतलब है कि हम सभी को उसने ठहरा। पास्टर जी भैया थोड़ा पीछे आइए ना, ये चित्र देखिए प्लीज, ये चित्र देखिए जी, ये चित्र आपको याद आ गया होगा कि यीशु का जोर से बपतिस्मा हो रहा है और बिल्कुल ठीक बीच में देखिए पवित्र आत्मा कबूतर की नाई आपको दिख रहा है। तो इसका मतलब है कि जब यीशु का अभिषेक हो रहा था तो उसमें डैनियल राज का भी, जब यीशु का अभिषेक हो रहा था तो उसमें रोमियो साहब का भी, जब यीशु का अभिषेक हो रहा था तो पास्टर जी का भी, कमान आइए ना जल्दी, जब यीशु का अभिषेक हो रहा था यहाँ बैठा एक एक व्यक्ति का भी अभिषेक हो रहा था। और जो फेसबुक और यूट्यूब पे सुन रहे मेरे जान, आप लोग भी सुनिए, हम सभी का अभिषेक, क्या बात है, एक व्यक्ति ने हिम्मत करी, शुक्रिया भाई साहब, कितना अच्छा होगा नहीं पास्टर जी, हम एक एक पंच दे रहे हैं, लोग उठ उठ के तालियां बजा रहे हैं और एक तरह का हल्ला हो रहा है, ऐसा ट्रेंड, ट्रेंड समझते हैं, ऐसा ट्रेंड, ट्रेंड लाओ, माहौल, चलन 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 चलन, ऐसा चलन लेकर आओ, जब जब कोई प्रचार करे, वो चर्च हो या ऐसी बड़ी सभा, आप लोग उठ उठ कर, और आपको पता है इसमें प्रभु की महिमा है, आप खड़े होंगे मुझे क्या मिलने वाला, आप मेरे साथ में और ना ही हम वहां पर आपकी तरफ कैमरा घुमा रहे, ये सिर्फ बात हो रही है प्रभु की, क्योंकि मैंने सीखा है कि परमेश्वर को हर वक्त में महिमा देना, चाहे ऐसा स्टेज हो या ना हो। अभी भी कुछ लोग को मौका था खड़ा होने का, फिर आपने गवा लिया आते हैं बहुत सारा मौका मिलेगा आज, आमीन। नाउ मैं चाहता हूं कि जिस दिन यीशु का अभिषेक हो रहा था उसमें आपका भी अभिषेक हो रहा था, एक साथ पूछो कैसे, अभी बताते हैं ऐसे, जो कि वचन कहता है जब यीशु का अभिषेक हुआ था तो हमारा भी हुआ था। आइए पढ़ते हैं रोमियो 5:18 पास जी जी, इसलिए जैसा एक अपराध सब मनुष्य के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ हुआ वैसे ही एक धर्म का काम भी सब मनुष्य के लिए, पास जी क्या लिखा है, सब मनुष्य वैसे ही, नहीं क्या लिखा है बोलो, सब मनुष्य के लिए, वहां पर ऐसा लिखा है एलिया मूसा, वहां पर ऐसा लिखा है थोड़े लोग, वहां पर ऐसा लिखा है पिछड़ी जाति अगली जाति, वहां पर ऐसा लिखा है लोग सफर का, कमॉन ऐसा नहीं है साहब, मैं वापस बता दूं, छोटा हो बड़ा हो, ऐसा हो वैसा हो, लेडीज हो जेंट्स हो, पुरुष हो स्त्री हो, वो सब का अभिषेक यीशु में हो गया है, इसलिए तो लिखा है कि सब, पास्टर जी कंटिन्यू, सब मनुष्य के लिए हाँ जीवन के निमित्त हाँ धर्म में ठहराया जाने का कारण हुआ। तो इसका मतलब है आदम ने लाया अलगाव, यीशु ने लाया जुड़ाव, आदम ने लाया पाप, यीशु ने लाया क्षमा, पहले आदम ने लाया श्राप, दूसरे आदम ने लाया आशीष, पहले आदम ने लाया बीमारी, दूसरे आदम ने लाया आशीष, आप समझ रहे yes. तो इसका मतलब है हम किसके, माय गुडनेस, हम किसके लहू के कनेक्शन है, ओके आना पड़ेगा अलग से, लहू बॉडी से निकालोगे तो बाप का डीएनए मिलेगा जिसने आपको पैदा किया, बड़े ध्यान से सुनना, लेकिन अगर ऐसी कोई इंजेक्शन, ऐसा कोई केमिकल या ऐसी कोई हॉस्पिटल है जो आत्मा का खून निकाल सके, रुको, तो आपको पता है किसका खून निकलेगा, यीशु का, राइट भैया, इसका मतलब है, और क्या क्या करूं बोल देता हूं, अब खून की बात हुई इसलिए बोल देता हूं, क्या हम प्रभु भोज खाते हैं, आइए रोमियो भाई आइए, हम प्रभु भोज खाते हैं, ओके, जब हम प्रभु भोज खाते हैं तो खाते वक्त में हम क्या बोलते हैं प्रभु के दास लोग, कम से कम तो मैं तो यही बोलता हूं अपने चर्च में जब मैं होता हूं, ये यीशु का लहू है, ये यीशु मसीह का मांस है, रिपीट, ये यीशु का लहू है, ये यीशु मसीह का मांस है, समझ में आया ना, दाखरस और रोटी किसका प्रतीक है, ब्रेड एंड वाइन किसका प्रतीक है, यीशु के लहू का और उसके शरीर का मांस का, ये बहुत पॉइंट, तो आप क्या खा रहे हो आत्मिक तौर पर, यीशु का मांस,
यीशु का लहू, तो जिसका मांस अच्छा था, अच्छा था, ये अपने लोगों ने बजाया या किसी और ने? नहीं, सैमुएल महापात्रा साहब पीछे बैठे, बोला चलो उड़ा देते हैं ये वाला उड़ा तो अच्छा है, बाकी वाला नहीं। आते हैं वापस, जब हम लहू पी रहे होते हैं प्रतीक में, एग्जांपल में मांस बॉडी खा रहे होते हैं, तो किसका डीएनए अंदर जा रहा है? आप नहीं समझे अभी भी, जल्दी से बता दूं, क्या यीशु को कभी ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, किडनी प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम, पेट दुखना, कमर दुखना, ऐसा कभी यीशु ने फोन करके किसी को कंप्लेंट किया था? आप नहीं समझे अभी भी। जब उसको नहीं हो सकता तो उसका खून आपके अंदर है, तो आपको कैसे हो? आप देख रहे हैं जी, क्या बात है। और मुझे ऐसा लगता है कि 5 मिनट 10 मिनट में सभी उठना शुरू हो जाएंगे। थैंक यू। ताली बजाकर हल्ला करकर फिर बैठ जाना है, बड़ा मजा आएगा। आप जारी रखिए सर जी, शुक्रिया, थैंक यू सर, वंडरफुल। आप मेरे साथ में ना, मैं वापस कहता हूं, जब हम यीशु का मांस और लहू खा रहे होते हैं, हमारे अंदर किसका डीएनए जा रहा होता है? तो इसका मतलब है आत्मिक तौर पे, क्या हम कैसे, आप समझोगे नहीं मालूम, मैं वापस कहता हूं, हम दूध पीते बच्चे नहीं रहे, हम कौन से बच्चे हैं? यीशु मसीह के मैच्योर परिपक्व बच्चे हैं। इज दैट राइट? बड़े ध्यान से सुनिएगा, अगर यीशु मसीह में हो, मैं वापस कहता हूं, पहला दिन का था शायद बाइबल स्टडी में, हमको बीमार नहीं होना। मैं वापस आता हूं, हमको बीमार नहीं होना है। मैं वापस कहता हूं, चाहे जादू टोना कलकत्ता का हो या जादू टोना साउथ अफ्रीका का हो, किसी भी जादू टोना में दम नहीं है कि वो मसीह के बच्चे को छू सके जिसके अंदर यीशु का लहू। राइट सर? आप है मेरे साथ में, क्या बात है बच्चे लोग। वैसे ही जब यीशु का अभिषेक हो रहा था, पास जी वैसे ही भैया थोड़े इधर जी, क्योंकि क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पाप कह रहे हैं, वैसे ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। तो इसका मतलब है कि वो पहला आदमी कौन था? आदम। दूसरा आदम कौन था? दूसरा आदमी कौन था? यीशु मसीह। पहले आदम के वजह से नुकसान, दूसरे आदम के वजह से फायदा, कैसा लग रहा है? तो हम कौन से आदम के लोग हैं? ऐसे हाथ करके बता दो, दूसरे। हम कौन से आदम के बीच हैं? दूसरे। माय गुडनेस, हमारे अंदर किसका लहू है? मैंने कल भी बताया था, मैं वापस बोलना चाहूंगा, कुछ बुद्धिजीवी लोग यहां बैठे रहते हैं, कहां पर? फेसबुक और यूट्यूब पे। वो कहते हैं कि हम ओल्ड टेस्टमेंट के लोग हैं। अब उनको कौन बताए भाई कि हम लोग कौन से नियम के लोग हैं? आपको मेरी बात समझ में? अच्छा, ब्लेड काट रहा है कुछ लोग को, काट रहा है। अभी और काटेगा, अभी तो शुरुआत है साहब, अभी और काटेगा। और मैं चाहता हूं कि कटे, क्या आंखें, ताकि कम से कम खुले तो सही और हम सच्चाई को तो जान सके। नाउ इसको देखिए सर जी, ओके, लिखा है नए नियम में अभिषेक होता ही नहीं था। जल्दी पूछो क्यों? लिखा है पवित्र आत्मा ही होता था। वापस आना होगा, नए नियम में अभिषेक है ही नहीं, होता ही नहीं था। क्यों? क्योंकि नए नियम में क्या है? पवित्र आत्मा है। और जब पवित्र आत्मा, बापरे अलग आना होगा, जब पवित्र आत्मा पूरा बाल्टी भर भर के दे रहा है, तो छोटी छोटी कप लेकर क्यों घूम रहे हो? जब परमेश्वर पूरा सागर दे रहा है, नहीं लिखा योना 7वां अध्याय में कि तुम्हारे अंदर से, क्या बात है भैया, जीवन जल की नदियां, भाई साहब को चाय पिला उसी के पैसे से। आप मेरे साथ में, हम सभी यीशु के बहते हुए झरना है, हम छोटे छोटे कप नहीं है जो यार यहां मांग रहे वहां मांग रहे, नो, हम यीशु के झरने। कैसा लग रहा है? नाउ इसको देखिए, वक्त को ध्यान में रखते हुए, क्या बाइबल में पढ़ने में कभी आया है अभिषेकित पत्रस, अभिषेकित पौलुस, अभिषेकित फिलिप, अभिषेकित 12 चेले, अभिषेकित 70 चेले, एक व्यक्ति निकाल कर बता दे 1 करोड़ की प्रॉपर्टी आपकी? जी सोच के देखिए, क्या कभी आपका दिमाग यहां चला था? क्या यीशु ने कभी बोला आज पत्रस को मैं अभिषेक कर रहा हूं? एक बंदा बीच में खड़ा होकर बता दे। क्या कभी आपने यह सुना था कि पौलुस को परमेश्वर कहता है सिर्फ तू ही अभिषेकित है? एक बंदा खड़ा होकर बता दे। क्या कभी उसने यह कहा था कि सिर्फ 12 चेले अभिषेकित है? फिर क्या था? ऐसा लिखा है कि जो भी यीशु में पैदा होता है वो सब अभिषेकित। आप मेरे पास एक वचन पढ़िए, यहां नहीं है,
यहाँ नहीं है, बीच में आ गया, बात करना चाहूंगा। सुनो, तैयार है? ओके, जितने लोग थक गए हैं जोर से हालेलुया। टाइम तो बहुत भाग रहा है पास्टर जी। मरकुस की किताब उसका 16 दिया है, वचन 16 16 16 देखते क्या बोला। मरकुस 16 16 मरकुस 16 16 मरकुस 16 16 मार्क चैप्टर 16 एंड वर्स 16 जी। मरकुस 16 16 में इस प्रकार लिखा गया है जी, कहा जी, जो विश्वास करे, हाँ, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, बस वापस, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, पास्टर जी कम से कम दो बार पढ़िए, थोड़ा सा पी रहा हूं पानी। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, फिर से पढ़ रहा हूं जी, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, बस बस, पहला शब्द क्या है बोलो, जो, जो, मैंने आपसे क्या कहा था गाड़ी में, एक एक शब्द में मसाला, मसाला क्या लिखा है वहां पर, जो, ये जो कौन है, देखो वहां लिखा है जो, इंग्लिश में लिखा है हु में भी, हु सो एवर, कोई भी, सब लोग बोलो कोई भी, तो उसमें पतरस है, नो, उसमें 12 चेले हैं, कमान, नो, उसमें 70 चेले, कमान, नो, क्या उसमें 120 हैं, नो, फिर उसमें कौन है, लिखा है जो भी, तो वो जो भी कौन है, आज आप, कल कोई और उसके बाद जो आएंगे वो, तो इसका मतलब है, लिखा है जो भी विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा उसी का उद्धार होगा। वचन 17 पास्टर जी, वचन 17 जी, विश्वास करने वालों में, हाँ, ये चिन्ह होंगे कि नहीं, नहीं 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 नहीं, नहीं पास्टर जी आप गलत पढ़ रहे हैं, पत्रस में ये चिन्ह होगा, पास्टर जी को भी पता चल गया मेरा लिख गया, वहां लिखा पौलुस में ही चिन्ह होगा, नहीं, वहां लिखा 120 में ही चिन्ह होगा, फिर क्या लिखा है, लिखा एक साथ जोर से बोलो, वो जो भी हो, जो भी हो, कमान जोर से, वो जो भी हो, वो जो भी हो, जो पीछे खड़ा है वो, जो आगे बैठे हैं वो, जो उधर बैठे हैं वो, जो यहां नहीं बैठे कल को आएंगे वो भी, कैसा लग रहा है, मैंने पूछा कैसा लग रहा है, तो इसका मतलब है कि ये व्यक्ति कौन है, ये नई सृष्टि है, और हम किसके अभिषेक को लेकर चल रहे हैं, हम पतरस पौलुस एलिया मूसा का नहीं, हम यीशु का अभिषेक लेकर चल रहे हैं। नाउ इसको देखिएगा, पहला कुरिन्थियों 12:13 पसंदीदा जी, क्योंकि क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो जी, क्या यूनानी, आहा, क्या दास जी, क्या स्वतंत्र, ओहो, एक ही आत्मा के द्वारा एक देख होने के लिए बपतिस्मा लिया जी, और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। हमको कौन सा आत्मा पिलाया गया, इधर देखो, इधर देखो, हमको कौन सा आत्मा पिलाया गया, जो पत्रस को पिलाया गया वो आपको, जो पौलुस को पिलाया गया वो आपको, जल्दी पूछो क्यों, क्यों, क्योंकि परमेश्वर के यहाँ पर कोई पक्षपात नहीं है, जितना मूसा को चुना वो आपको चुन सकता है, जिसने उसको इस्तेमाल किया वो आपको कर सकता है, जो पौलुस के द्वारा काम करवा सकता है वो आपके द्वारा करवा सकता है, परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं है, उसने सबको, जी 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 जी, उसने सबको, थैंक यू सिस्टर, उसने सबको उसी आत्मा से पिलाया, राइट रेवरेंड जी, नाम भूल गया, असीम जी, सही बात है ना, हम सबको एक ही आत्मा पिलाया मच्छर।